वेरी गुड। अब जरा जो मोर्चाबंदी हुई है श्रीकांत जी के तरफ से, मैं उनके पास भी आऊंगा, बीदार साहब के पास और ध्रुव जी के पास। श्रीकांत जी, क्या 2024 के बाद या 2024 में जो एप्रिहेंशन हो रहा है कि मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो आने वाले दिनों में चुनाव ही नहीं होगा, इस एप्रिहेंशन को एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी धोने जा रही है और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीतने जा रही है? आपका खुद का जो सर्वे था, आपका खुद का जो कल की डिबेट में आपने जो ओपिनियन दिया था, उसमें आप खुद भी कह रहे थे कि हाँ कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। बाद में उन्होंने आपने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने जा रही है। मतलब लब्बो लुआब यह था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है, तत्काल हार रही है, जोड़ तोड़ के बना ले वो अलग विषय है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो आप भारतीय जनता पार्टी का सुमेध का घोड़ा जो है वो रुक जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी जिस सब लोग देखने के लिए स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता उनकी कायम रहे। दूसरी चीज यह कि हमने देखा 2019 में भी इलेक्शन में किस तरीके से कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो इस देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे। क्या वो लोग उन लोगों ने माफी मांगी? क्या उन लोगों ने रिजेक्ट किया? क्या उन लोगों ने एक बार भी बोला कि ऐसा? हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सबसे खास और अहम बात मैं इसमें देखता हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर का शोर आएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ, फील्ड में ही हूँ, तो ये बड़ा असंभव सा है। दूसरी चीज ये कि आप क्या केरला स्टोरी को लेकर वो लोग कुछ नहीं कहते? जो 4% आरक्षण अब होगा मुस्लिमों को दिया जा रहा था, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कुछ लोगों की, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं यहाँ एस जयशंकर का एक कोट यहाँ कोट करना चाहूंगा, उसने कहा कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। मुझे लगता है कि अब जगने का समय है और जरा कॉफी का टेस्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको कॉफी से नफरत है, लेकिन उसकी स्मेल तो आपको सूंघनी चाहिए और समझना चाहिए कि देश का मूड क्या कह रहा है इस वक्त। कर्नाटका, अगर नरेंद्र मोदी आकर कर्नाटका का चुनाव एकदम पलट दे रहे हैं, और मैं भी सर्वे में मैं कह चुका था कि कांग्रेस वापसी कर रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन अगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी जो एज गवा चुकी थी और जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे बांटते हुए, उसे एक तरीके से फुलफिल करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते कर्नाटका में, वो बात अलग है कि आप उसे नहीं मानते और चुनाव के जब नतीजे आएंगे